हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला पाकिस्तान ए वर्सेस यूएई का 7th ओडीआई मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो कल सुबह को 10 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करें तो पिसारो ओवल कोलंबो में श्रीलंका में खेला जाएगा। मैं आपको हेड टू हेड टीम फॉर्म और हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। अब 100% ग्रैनिटी में भी मनी इजीली सेंड करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी इजीली सेंड करें। पहले हेड टू हेड के बारे में बात करें तो अब तक हेड टू हेड इस दोनों टीम का एक बार भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ए वर्सेस यूएई टीम का एक बार भी नहीं हुआ है। आपको मैं हेड टू हेड एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब टीम फॉर्म के बारे में बात करें तो टीम फॉर्म देखा है तो पाकिस्तान ए ने लास्ट 5 मैचेस में 3 विन्स किए हैं और 2 लॉसेस हुए हैं और यूएई ने लास्ट 5 मैचेस में 4 लॉसेस हुए और 1 विन किए थे। और पिच के बारे में बात करें तो पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 220 से 230 का बीच में स्कोर बनेगा और पिच स्पिन बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। इस पिच में टोटल 79 विकेट्स मिले, फास्ट बॉलर्स को 32 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को 47 विकेट्स मिले। आपको मैं टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब इस पिच का ओडीएस का रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो इस पिच में ओडीएस मैचेस टोटल 24 मैचेस खेले, उसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 9 टाइम जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 11 टाइम जीते हैं। और इस पिच में हाई स्कोर के बारे में बात करें तो इंडियन वुमेन्स ने मारे थे 259 रन। इंडिया वर्सेज श्रीलंका का खिलाफ हुआ था वुमेन्स का। और लोएस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो पाकिस्तान वुमेन्स ने 67 रन पर ऑल आउट हो गए थे इंडिया वुमेन्स के खिलाफ। मैं आपको इस पिच का ओडीएस का रिकॉर्ड के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब हर प्लेयर का मैं लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। 100% ग्रैनिटी में भी मनी इजीली सेंड करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी इजीली सेंड करें। बेस्ट विकेट कीपर होंगे, बेस्ट ऑलराउंडर होंगे, बेस्ट बॉलर होंगे। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर्स को पिक किया, मोहम्मद हरीस को और हसीबुल्ला को। ये दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन सब, ये दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। दोनों विकेट कीपर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें तो मोहम्मद हरीस के बारे में बात करें तो मोहम्मद हरीस ने लास्ट मैच 55 रन मारे, लास्ट सेशन मैच 47 रन मारे, लास्ट सेशन मैच 40 रन मारे, लास्ट चौथे मैच 87 रन मारे, लास्ट पांचवें मैच 30 रन मारे। एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। अब मोहम्मद हरीस को 100% पिक कर लेना। हसीबुल्ला के बारे में बात करें तो हसीबुल्ला ने लास्ट मैच 13 रन मारे, लास्ट सेशन मैच 43 रन और लास्ट सेशन में 11 रन मारे, लास्ट चौथे मैच 37 रन मारे, लास्ट पांचवें मैच 4 रन मारे। मैंने विकेट कीपर 2 विकेट कीपर को पिक कर लिया, दोनों विकेट कीपर का स्टैट्स भी बता दिया। दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है। अब ये दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। मैंने दोनों विकेट कीपर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी बता दिया। अब बैट्समैन में देखा जाए मैं 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है, पे तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। तीनों बैट्समैन का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें तो ओविन यूसुफ के बारे में बात करें तो ओविन यूसुफ ने लास्ट मैच डकआउट हो गए थे, लास्ट मैच 28 रन मारे, लास्ट सेशन मैच 82 रन मारे और लास्ट चौथे मैच 54 रन मारे, लास्ट मैच 65 रन मारे। एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन ओविन यूसुफ को 100% पिक कर लेना। टंडन के बारे में बात करें, टंडन ने लास्ट मैच 61 रन मारे, लास्ट सेशन मैच और तीसरे मैच उनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था, लास्ट चौथे मैच 4 रन मारे, लास्ट मैच 6 रन मारे। और टी ताहिर के बारे में बात करें, टी ताहिर ने लास्ट मैच 1 रन मारे, लास्ट सेशन मैच 5 रन मारे, लास्ट सेशन मैच 0 रन और लास्ट चौथे मैच 25 रन मारे, लास्ट मैच में 8 रन मारे। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है, तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लें। ये तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। अब ऑलराउंडर को बताने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट्स बनाए, इस दोनों अकाउंट को आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देख रहे, फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1436 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं उसी पर आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको 3 ऐप प्रोवाइड करूँ, सब 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। पहला वाला है विजन लेवल, विजन लेवल 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। विजन लेवल आपको डेली 2 या 3 फ्री एंट्री मिलेंगे, आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। कमाल का ऐप है विजन लेवल, आप विजन लेवल 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। और दूसरा वाला है माई मास्टर लेवल, माई मास्टर लेवल 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। माई मास्टर लेवल आपको लो कॉम्पिटिशन होगा और आपको डेली 1 या 2 फ्री एंट्री मिलेंगे, आप 100% मनी का साथ साथ ऑफर्स भी 100% आप जीतेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। और तीसरा वाला है कुबेरा में अगर आप DUO का टीम में खेलेंगे तो आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में DUO का टीम में खेलेंगे तो 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। मैं आपको तीनों ऐप एक्सप्लेन करते हैं, मैं तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूं, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली से अर्न करना। तुरंत लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको तीनों ऐप का लिंक टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूं, जाकर डाउनलोड
ऑर्डर के लिए जब 100% तीनों आप मनी इजिली से एन करेंगे। अब ऑलराउंडर्स पे देखा जाए तो मैं ऑलराउंडर्स पर पिक किया, तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, के गुलाम को, एस शर्मा को और ए नसीर को। ये तीनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करें। तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात की तो के गुलाम के बारे में बात की तो गुलाम ने लास्ट मैच 16 रन + 1 विकेट लिया, लास्ट दूसरे मैच में 1 रन + 0 विकेट और लास्ट सेशन में 2 रन + 0 विकेट और लास्ट चौथे मैच 2 रन + 1 विकेट लिया, तो लास्ट मैच में 1 विकेट मिला। एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर गुलाम को 100% पिक कर लेना। और एस शर्मा के बारे में बात करें, एस शर्मा ने लास्ट मैच 3 रन + 1 विकेट लिया था, लास्ट दूसरे मैच भी 3 रन + 1 विकेट लिया और लास्ट तीसरे मैच में 1 रन + 2 विकेट लिया, लास्ट चौथे मैच 2 रन + 0 विकेट, लास्ट पांचवें मैच 17 रन + 0 विकेट। और ये नसीर के बारे में बात की थी, नसीर ने लास्ट मैच 4 विकेट लिया, लास्ट दूसरे मैच 5 रन पाया था, लास्ट तीसरे मैच में 1 विकेट लिया था, लास्ट चौथे मैच 15 रन + 2 विकेट लिया, लास्ट पांचवें मैच 1 विकेट लिया। मैंने ऑलराउंडर्स में तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, तीनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक करना। ये तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब बॉलर्स में देखा जाए, मैं तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लें। तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेस है। तीनों बोलेस का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद वसीम के बारे में बात करते हैं, मोहम्मद वसीम ने लास्ट मैच 1 विकेट लिया, लास्ट मैच 2 विकेट लिया था, लास्ट मैच 1 विकेट लिया, लास्ट चौथे मैच 0 विकेट और लास्ट मैच में 2 विकेट लिया। एक इंपॉर्टेंट बॉलर है मोहम्मद वसीम को आप 100% पिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है मोहम्मद वसीम को 100% पिक कर लेना। और एस दयान के बारे में बात करते, दयान ने लास्ट मैच 2 विकेट लिया था, लास्ट दूसरे मैच में 2 विकेट लिया, लास्ट सेशन मैच 0 विकेट, लास्ट चौथे मैच 1 विकेट लिया था, लास्ट मैच में भी 1 विकेट मिला। दयान और मोहम्मद वसीम पाकिस्तान टीम के एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, पाकिस्तान एक टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। दोनों बॉलर को कप्तान वाइस कप्तान में भी ट्राई कर सकते हैं। और एम जेविडुल्ला के बारे में बात करें, जेविडुल्ला ने लास्ट मैच 2 विकेट लिया, लास्ट दूसरे मैच भी 2 विकेट लिया था, लास्ट सेशन मैच 1 विकेट लिया, लास्ट चौथे मैच 0 विकेट, लास्ट पांचवें मैच 4 विकेट लिया। मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स बेस्ट बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मैंने कप्तान में बनाया मोहम्मद वसीम को और वाइस कैप्टन में एस दयान को। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर्स को पिक किया, बैट्समैन पर 3 बैट्समैन को, ऑलराउंडर्स पर 3 ऑलराउंडर्स को, बॉलर्स में 3 बॉलर्स को। अगर कोई प्लेयर मिस होता तो मैं आपको फाइनल टीम लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूंगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।